ऑनलाइन पेमेंट करुथिले जरूरी खबर काम करिबनी एही सब आप फोन पे गूगल पे एवं पेटीएम आदि रहिछि सामेल। दर्शक बंधु आजिकाली तो हेलाने डिजिटल युग सबो किछि हेउछि ऑनलाइन लोकों को आउ बैंक के एटीएम जिबाकु पड़ू नाही पूरा फायदा रे रहउछन्ति समस्ते हेले एमिति एहा महंगा पड़िबो सेहि मानको जो माने व्यवहार करुछन्ति फोन पे गूगल पे किंबा पेटीएम एक कथा आमे एथिपाई कहुछु कारण खबरटी हेउछि किछि सेमिति एसबु आप व्यवहार करुथबा यूजर आग को ऑनलाइन पेमेंट करि पारिबे नाही ता पछरे रहिछि बड़ कारण केउ कारण पई पेमेंट करि हेबो नाही जानिबा पई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। वास्तव में नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया तरफ इनएक्टिव यूपीआई आईडी को ब्लॉक करिबा पई निर्देश जारी करा जायछि अर्थात जदि आपण वर्षे किंबा ताठारो अधिक वर्ष थरी यूपीआई आईडी रु ऑनलाइन नेनदेन करिनथिबे तबे आपणकर यूपीआई आईडी 31 डिसेंबर ब्लॉक होइजिवो अर्थात आपण जनवरी 1 2024 रु आउ किछि ऑनलाइन पेमेंट करि पारिबे नाही आपणकर यूपीआई आईडी होइजिवो ब्लॉक। वास्तव में गूगल पे फोन पे एवं पेटीएम भले प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टंका कारोबार पई यूपीआई आईडी रो व्यवहार करती जहां लिंक रही थाए मोबाइल नंबर सहित अनेक थर गोटे मोबाइल नंबर रे बहुत सारा यूपीआई आईडी लिंक होइ रही थाए जाको लंबा समय धरी करा जाय न थाए व्यवहार जदि आपण न चाहते कि आपणकर पुरुणा इनएक्टिव आईडी को बंद करा जाऊ तबे आपण को निजर पुरुणा आईडी को डिसेंबर 31 तारीख पूर्व एक्टिव करबा को पड़िबो एथिपई आपण को यूपीआई आईडी रु पेमेंट करी ताको करबा को पड़िबो एक्टिवेट। एक रिपोर्ट हिसाब रे ग्राहक पुरुणा यूपीआई आईडी को बंद न करी नुआ मोबाइल रे नुआ यूपीआई आईडी रु मोबाइल नंबर लिंक करी नियोती और ये मामला रे टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया अर्थात ट्राई पक्षरु गाइडलाइन मध्ये जारी होईछि। एनपीसीआई निर्देश रे समस्त बैंक एवं थर्ड पार्टी एप्स यूपीआई आईडी को डीएक्टिवेट करबा एबे आरंभ करि सारि छथि। ए सब एथिपई करा जाउछि कारण पुरुणा आईडी रु फ्रॉड हेबार रहिथाय जथेष्ट संभावना सेथिपई ए सब को ब्लॉक करा जेबा को निर्देश दिया जायछि। ब्यूरो रिपोर्ट कलिंग टुडे लाइव।